स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल हटके प्रेडिक्टर में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसेक्स वर्सेस मिडिल सिक्स के मुकाबले के बारे में, T20 ब्लास्ट का, जो कल स्टार्ट होने वाला है। ये 25 अगस्त को 6:30 बजे के आसपास खेला जाएगा। एक बात जान लीजिए, एसेक्स यहाँ पे डिफेंडिंग चैम्पियंस है, जो कि लास्ट ईयर में ये विन किए थे। काउंटी ग्राउंड केम्सफोर्ड में खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूँ तो अगर पिच रिपोर्ट की वही मैं बात करूँ तो यहाँ पे बारिश का थोड़ा बहुत चांसेस है, तो उस हिसाब से अपना टीम क्रिएट कीजिएगा। और चांसेस ये भी है कि पूरा मैच हमें देखने को मिल सकता है। और ये बैटिंग पिच रहेगा, बॉलर्स के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, पेसर्स के लिए थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा और यहाँ पे बाउंस ज़्यादा होता है। एवरेज स्कोर की अगर बात करूँ तो 160 से 170 के बीच में यहाँ पे जो भी फर्स्ट बैटिंग करेगी वो टीम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये डिफेंडेबल टारगेट हो सकता है। वही ये इस मैचेस पे इस वेन्यू पे जितना मैचेस हुआ है उसकी बात करूँ तो ODI की बात करूँ तो यहाँ पे 3 मैच ODI के खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे 2 बार जीती है और बैटिंग सेकेंड 1 बार जीती है। एवरेज स्कोर यहाँ पे हुआ करता था 199 का। हाईएस्ट स्कोर इंडिया की तरफ से हुआ है, भारत की 247 पे ऑल आउट हो गए थे। और लोएस्ट स्कोर बांग्लादेश ने किया है 116 पे ऑल आउट। वही ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा T20 का। एक बार आप देख लो, टोटल मैचेस यहाँ पे 34 खेला हुआ है। बैटिंग फर्स्ट ने 17 जीता और बैटिंग सेवन ने 16 जीता है और एक टाई रहा था। तो दोनों कंपैरिजन में देखेंगे तो बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकेंड हो, मुकाबला हमें तगड़ा मिलने वाला है यहाँ पे। एवरेज यहाँ की स्कोर की बात करूँ तो T20 में फर्स्ट बैटिंग का 179 रहा है। हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर दोनों एसेक्स की तरफ से ही हुआ है। 226/4 हाईएस्ट था और लोएस्ट इनका 111/10 था। स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे एक बार देख लो, बिलो स्कोर 150 का 3 बार हुआ है, यानी कि टोटल कितना 34 मैचेस में वो 150 के नीचे 3 बार हुआ है। 150 से 170 के बीच में 8 बार, 170 से 190 के बीच में 13 बार और 190 के ऊपर 10 बार गया है। तो यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच भी हमें देखने को मिल सकता है। पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो इसमें आपको लास्ट सीज़न का टॉप परफॉर्मर्स कौन था और पिछले सीज़न में कौन कौन क्या क्या परफॉर्मेंस किया था इसको बैटिंग में और बॉलिंग में इस दो टीम से, और आपको इनका स्टैट्स भी मिल जाएगा। ये लिस्ट ये T20 और इंटरनेशनल के प्लेयर जो भी हैं उनके T20 का स्टैट्स क्या रहा है। फाइनल अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना ज़रूरी रहेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जरूर जुड़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है हटके प्रेडिक्टर ड्रीम 11 फ्री टीम्स के नाम से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अभी एसेक्स का बता देता हूँ कि 2019 में जो इनका विटेलिटी ब्लास्ट हुआ था T20 का, उसमें क्या हुआ था। डैनियल लॉरेंस ने 14 मैचेस में 13 इनिंग्स में खेला था, वहाँ पे 386 रन इन्होंने स्कोर किया था और हाईएस्ट इनका 69 था। एवरेज 35 और स्ट्राइक रेट भी देखो अच्छा खासा है 152 का। 4 इन्होंने 50s भी लगाई थी और 3 विकेट भी निकाले थे 4 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए, यानी कि रेगुलर बॉलर नहीं है, कभी कभार बॉलिंग करते हुए हमें दिख सकते हैं। रायन टेन डियोस्केट ने बॉलिंग नहीं की थी, 14 मैचेस में 13 इनिंग्स में इनको बैटिंग मिली जहाँ पे 269 इन्होंने स्कोर किया। हाईएस्ट इनका 74 नॉट आउट था और एवरेज 33 का। इन्होंने भी 350 लगाई हुई थी। और वही बात करो टॉम वेस्ली की, टॉम वेस्ली भी अच्छा करके गए थे 14 मैचेस में 363 रन, 86 नॉट आउट इनका हाईएस्ट और एवरेज 30.25 का। कैमरॉन डेलपोर्ट की बात करूँ तो इन्होंने एक शानदार पारी खेली थी जहाँ पे 29 बॉल्स में, शायद 29 या 49 कन्फर्म नहीं है, उसमें इन्होंने 129 स्कोर किया था, शायद मेरे हिसाब से 49 बॉल्स में होगा। एवरेज इनका 29 है, रन्स इन्होंने 409 किया था और 3 विकेट भी निकाला था। 8 इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग की थी, यानी कि ये हर मैच में आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। और सिमोन हार्मर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, 17 विकेट निकाला था 14 मैचेस में। ये इनका बॉलिंग स्टैट्स है कि कौन कौन कितना विकेट्स लिया था। सिमोन हार्मर का तो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। तो मैट क्विन का 4 मैच में 6 विकेट, जेमी पोर्टर 4 मैच में 8 विकेट, एरन बेल्ड 8 मैच में 6 विकेट, पॉल वॉल्टर 11 मैच में 2 विकेट और शेन स्नेटर 5 मैच में 4 विकेट। दोस्तों एक बार बता दूं कि पॉल वॉल्टर जो है वो आपको हर मैच में बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, कोई एक ही मैच में ये बंदा बॉलिंग करेगा, बहुत कम ये बॉलिंग करता है और ये आपको बैटिंग सेक्शन में अवेलेबल है, ये एक बैटिंग ऑलराउंडर है, तो इसका ध्यान रख के चले, ये मत समझिए कि ये हर मैच में बॉलिंग कर लेगा। और इनके स्टैट्स पर एक बार आप देख लो, स्टैट्स भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको। लिस्ट ए का पूरा है, जो भी प्लेयर्स का है लिस्ट ए का ज़्यादातर है, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका मैं इंटरनेशनल भी दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे अलिस्टर कुक का आपको प्रोवाइड किया गया है। आप एक बार इनको चेक कर सकते हो पॉज करके, अगर मैं बताता जाऊँगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा जिससे कि आपको भी दिक्कत हो सकती है देखने में। एडम विटर का दिया है माइकल पेपर, विलियम बटलरमैन का मुझे कोई स्टैट्स नहीं मिला तो मैं इनका कुछ प्रोवाइड नहीं किया हूँ। वही बात करूँ अलिस्टर कुक की, ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर भी। इनका लिस्ट ये में देख लो, 32 मैचेस में 892 रन इन्होंने किया है, हाईएस्ट इनका 100 है और एवरेज 31 का। और इंटरनेशनल में इनका एवरेज गिर जाता है, एवरेज 14 का है इंटरनेशनल में,
मैचेस 4 इनिंग्स 4 और रन सिर्फ 61 किए हैं। T20 में सिर्फ 4 ही इंटरनेशनल T20 इन्होंने खेला हुआ है। वरुण चोपड़ा का एवरेज अच्छा खासा है 29 का लिस्टी है T20 से। 106 मैचेस में इन्होंने 2812 रन्स किया है, 2 सेंचुरीज भी लगाया है और 20 हाफ सेंचुरीज इन्होंने लगाया हुआ है। तो वही टॉम वेस्ली की अगर बात करूँ तो ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, कभी कभार आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 78 मैचेस में 21 इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग की है, तो पार्ट टाइम बॉलर है, आपको ये बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। किसी भी मैच में अगर ज़रूरत पड़ेगी सिक्स्थ बॉलर ऑप्शन की तो ये करते हुए दिख सकते हैं। हाईएस्ट 109 का एवरेज, 30 का रन, 1952 72 मैचेस में, तो ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे इन्होंने 50s भी 6 लगाई हुई है और 100s भी 2। पॉल वॉल्टर जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, इन्होंने 38 मैचेस में 27 इनिंग्स में बॉलिंग की है और 21 विकेट्स निकाला हुआ है। मैचेस टोटल 38 खेला है, 27 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग भी की है। 314 इनका स्कोर रन्स है, हाईएस्ट 40, एवरेज 20 और स्ट्राइक रेट इनका 133। वही बात करूँ निक ब्रोनी का मुझे उतना कुछ खास स्टैट्स लगा नहीं, क्योंकि इन्होंने 12 इनिंग्स में सिर्फ 165 रन्स किया है और एवरेज भी इनका 16 लगा है। फिरोज़ खुशी अभी T20 में खेले नहीं है, इनका फर्स्ट क्लास का अवेलेबल है रिकॉर्ड जो भी है। वो 3 मैचेस में इन्होंने 4 इनिंग्स में पारी खेली थी, 124 रन स्कोर किया था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो भी है वो टेस्ट खेला जाता है ना, इसीलिए 4 इनिंग्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ऋषि पटेल की वही बात करूँ तो इनका T20 का और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मुझे कोई स्टैट्स नहीं मिला। ODI का मिला था, 3 मैचेस में 3 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की है, 65 रन इन्होंने स्कोर किया है। जोश रेमल का मुझे कोई स्टैट्स नहीं मिला, शायद ये बंदे सब अभी डिबट कर रहे हैं इसीलिए इनका कोई स्टैट्स नहीं है। रैन टेंडियोस्केट की बात करूँ तो राइट आर्म मीडियम है, कभी कभार आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ज़्यादातर ये T20 ब्लास्ट में बॉलिंग नहीं करते हैं तो उसका थोड़ा ध्यान रख के चले कि ये बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। विकेट्स की अगर इनकी बात करूँ तो 360 मैचेस इन्होंने खेला है, सिर्फ 139 इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग की है, 114 विकेट भी इन्होंने निकाला है। अगर ये बंदा बॉलिंग करता है तो आपको 1-2 विकेट कन्फर्म दे रहा है। इनका भी हाईएस्ट देख लो, 121 नॉट आउट है T20 में और रन्स भी अच्छे खासे हैं, 7269 रन सिर्फ 321 मैचेस में इन्होंने किया है और एवरेज भी इनका लगभग 29 के आसपास है, 29 का एवरेज भी रखते हैं। और वही इंटरनेशनल की अगर इनकी बात करूँ तो 22 मैचेस में 533 रन स्कोर किया है, एवरेज 44 का है इंटरनेशनल में और 10 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 13 विकेट निकाला हुआ है। कैमरॉन डेलपॉट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये इनके स्टार प्लेयर हैं इनकी टीम के। 236 मैचेस में 557 रन इन्होंने किया है, हाईएस्ट 129 है जो कि लास्ट सीजन में ही इन्होंने किया था। एवरेज 25 का, स्ट्राइक रेट 140 का, 5 सेंचुरीज इनके नाम है और 28 हाफ सेंचुरीज इनके नाम है और ये विकेट भी 64 निकाले हुए हैं। और ये भी आप देख सकते हो कि सिर्फ 98 इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग किया, लेकिन अभी फिलहाल ही में ये रेगुलर बॉलिंग कर रहे हैं तो ये आपको 2 ओवर तो एटलीस्ट डालते हुए दिख सकते हैं। वही डैन लॉरेंस की बात करूँ, डैनियल लॉरेंस की राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, 51 मैचेस 46 इनिंग्स 1086 रन, हाईएस्ट इनका 86 है, एवरेज 27, स्ट्राइक रेट 142 का, 50 इनके 5 है, सेंचुरीज इन्होंने लगाई नहीं और इन्होंने भी 18 इनिंग्स में बॉलिंग की है तो 17 विकेट निकाला हुआ। ये भी एक पार्ट टाइम बॉलर हैं, कभी कभार बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। ये रेगुलर बॉलर हैं इनकी टीम से, सिमोन हार्मर, ये आपको हर मैच में बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। अगर इनकी पिलाई हो जाती है या तो ज़्यादा पिट जाते हैं तभी कोई दूसरा बॉलर यहाँ पर आ सकता है, जैसे कि डैन लॉरेंस और कैमरॉन डेलपॉट। 97 मैचेस में 666 रन और 72 विकेट्स निकाला है। बेन एलिसन का मुझे कोई स्टैट्स नहीं मिला, ये भी शायद डिबट करेंगे इस मैच में। वही बात करूँ जेमी पोर्टर की तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 19 मैचेस में 17 विकेट निकाला हुआ है, यानी कि 18 इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग की है, 18 इनिंग्स में बॉलिंग की है तो 17 विकेट 18 मैच में इन्होंने निकाला है। एरोन निजर की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 3 मैच में 4 विकेट लिस्ट है T20 से। मैथ्यू क्विन की अगर बात करूँ, 57 मैचेस में 60 विकेट्स मैथ्यू क्विन ने भी निकाला है और आपने ऊपर भी देखा होगा लास्ट टाइम भी इन्होंने 6 विकेट शायद निकाला था। वही एरन बेर्ड की बात करूँ, एरन बेर्ड 8 मैच में 6 विकेट निकाले हुए हैं। जैक प्लम का मुझे कोई स्टैट्स नहीं मिला, ये भी शायद डिबट करेंगे इस बार। शेन स्नेटर भी इंटरनेशनल प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है नेदरलैंड्स के, तो ये भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, मैं स्मॉल लीग के लिए प्रीफर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनसे अच्छे अच्छे बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं। 13 मैचेस में 13 विकेट निकाला है और TLSTA से 18 मैचेस में 18 विकेट। सैमुअल कुक उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, 8 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट निकाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पे जरूर जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको फाइनल अपडेट मिल जाएगा। जो भी प्लेयर अगर
ग्रैंड लीग के प्लेयर जो भी रहते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम रहता है, और या फिर कुछ और टिप्स भी रहता है, ग्रैंड लीग सजेशंस वगैरह जो भी रहता है, मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगा। चलिए बात कर लेते हैं मिडिल सिक्स की। लास्ट सीज़न में कौन इनके टॉप परफॉर्मर्स रहे थे? एक तो थे कि इयान मॉर्गन, 9 मैचेस में रन सिर्फ 41 लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ माफ़ कीजिएगा, रन इनका 41 नहीं था, 341 रन इनका था, और हाईएस्ट इनका 83 था। ये 29 बॉल्स में इन्होंने किया था, बहुत अच्छी पारी खेली थी इस मैच में। एवरेज इनका 42 है और स्ट्राइक रेट 168 का। और इनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ, इनके बारे में तो अच्छा खासा आप जानते हैं। 50s भी इन्होंने 30 की हुई थी, सॉरी 30 नहीं, 50s का यहाँ से आप निकाल दीजिए, 50s का मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि कितना 50s इन्होंने किया था। वही एस्किनाजी की अगर बात करूँ तो 11 मैचेस 9 इनिंग्स 256 रन एस्किनाजी ने किया था, हाईएस्ट 57 नॉट आउट थे, एवरेज 32 का रखते हैं और 50s भी 2 लगा चुके हैं। जॉन सिम्पसन भी हमारे लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इनके अपोजिशन में जो विकेट कीपिंग है एडम विटर, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एडम विटर भी अच्छे बैट्समैन हैं, और एडम विटर हमें टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे, और जॉन सिम्पसन जो है वो थोड़ा नीचे बैटिंग करते हैं। मैचेस 14 इनिंग्स में बैटिंग की थी, 202 रन किया था, हाईएस्ट इनका 42 है और एवरेज 25 का, स्ट्राइक रेट 137 का रखते हैं। वही टॉबी रोलैंड जोन्स की बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ तो इनका परसेंटेज बहुत नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि क्रेडिट इश्यू है इस मैच में, तो इनको कोई पिक नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि स्मॉल लीग में बहुत अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं अगर आप रैंट एंड डियोस्केट की जगह इनको ट्राई कर लोगे, क्योंकि ये बॉलिंग बैटिंग दोनों से आपको पॉइंट दे देंगे। यहाँ पे एक बार देख लो इनका बैटिंग का जो मैं स्टैट्स दे दिया हूँ, 7 इनिंग्स में 121 रन इन्होंने किया हुआ है, और यहाँ पे विकेट्स भी इनका है 19 विकेट टोटल, लास्ट सीज़न में लिया था 14 मैच में 19 विकेट। स्टीवन फिन 14 मैच में 19 विकेट, नथन सोटर 14 मैच में 16 विकेट, टॉम हेल्म 14 मैच में 15 विकेट। तो ये चार बॉलर जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनका मैं हर जगह पर देखता हूँ, ये हर जगह पर विकेट निकाल लेते हैं, जहाँ पर भी खेलते हैं तो ये विकेट ज़रूर निकालते हैं। एक बार इनका स्टैट्स भी आप देख लो, जॉन सिम्पसन का 84 नॉट आउट है हाईएस्ट, रन्स 1759 है 93 इनिंग्स में, एवरेज 23 का रखते हैं, स्ट्राइक रेट 129 का, और 50 इन्होंने 7 लगाई हुई है। रॉबी वाइट इनका थोड़ा कम ही स्टैट्स है, उतना ज़्यादा ये मैच खेले नहीं है, 3 मैच में 2 इनिंग्स में बैटिंग किया और 17 रन किया है। जैक डेविस का मुझे T20 का कोई स्टैट्स नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे ODI का स्टैट्स जो मिला है वो मैं वहाँ यहाँ पे मेंशन किया हुआ हूँ। 8 इनिंग्स में बैटिंग की है, 197 रन इन्होंने स्कोर किया है, हाईएस्ट इनका 63 है और एवरेज 32 का, स्ट्राइक रेट ये 87 का रखते हैं ODI में। अब ये पता नहीं T20 में कैसे परफॉर्म करेंगे, इस बार अगर खेलते हैं तो हमें ज़रूर पता चल जाएगा शुरू इनिशियल मैचेस में। वही इयान मॉर्गन की अगर बात करूँ तो इयान मॉर्गन की मैं क्या ही बात करूँ भाई, आप तो जानते ही हो इयान मॉर्गन का कितना अच्छा प्लेयर है, तो आप एक बार इनका स्टैट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टीफन एस्किनाजी ये थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन क्रेडिट इशू की वजह से मैं इनको पिक नहीं कर रहा हूँ इस मैच में। मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ कि आप इनको कैसे पिक कर सकते हो, किसको ड्रॉप करके। रन्स इन्होंने 712 किया है, इनिंग्स 126, हाईएस्ट इनका 57 नॉट आउट है, और एवरेज भी अच्छा खासा रखता है 30 का, स्ट्राइक रेट 130 का। सैम रॉबसन लेग ब्रेक बॉलर है, ये ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 से खेल चुके हैं, जहाँ पे यूथ ODI मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ इनका, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, और ये T20 में इनका कुछ उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 4 मैच में 53 रन किया है, हाईएस्ट 28 है, एवरेज 26 का और स्ट्राइक रेट 104 का। लेकिन वही ODI में थोड़ा मुझे स्टैट्स इनका अच्छा लगा, हाईएस्ट 43 का है, रन 155 9 इनिंग्स में, और रेगुलर बॉलिंग की थी यहाँ पे, 10 विकेट निकाला था। तो शायद ये अगर खेलेंगे तो आपको ये पार्ट टाइम बॉलर की तरह यूज़ कर सकते हैं इनकी टीम वाले, इनको वो थोड़ा ध्यान में रख के चले। उस पर बॉलर्स पर डिपेंड करता है कि कितना बॉलर टोटल अवेलेबल है, अगर 5 बॉलर अवेलेबल है तो ये 6th बॉलिंग ऑप्शन या 7th बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं। निक गबिन्स ये भी थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर है, मैचेस 32, इनिंग्स 29, रन्स 404 है, हाईएस्ट 46 का है, एवरेज 13, स्ट्राइक रेट 119 का। ODI का भी मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, आप एक बार चेक कर सकते हो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में जैसे ही लाइनअप्स आता है तो आप वहाँ से डायरेक्ट अपने गैलरी से फ़ोटो निकाल के आप आराम से देख सकते हो। मैक्स होल्डन, डैन लिंकन, जो एक क्रैकनेल का, तीनों का मैं यहाँ पे स्टेट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। बात करूँगा तो सिर्फ इनकी टोबी रोलैंड जोन्स की, ये इंटरनेशनल ODI खेल चुके हैं, एक मैच एक रन, 37 नॉट आउट थे वहाँ पे, स्कोर भी किया था और एक विकेट भी निकाला हुआ था। वही यहाँ पे देख लो एक बार, 53 इनिंग्स में 64 रन इन्होंने लिया हुआ है, सॉरी 64 विकेट्स इन्होंने लिया हुआ है, और रन भी जो बैटिंग अगर मिल जाती है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, यानी ये बंदा आपको 20 से 25 रन करते हुए दिख सकता है अगर बैटिंग मिल जाए तो। बॉलिंग से तो आपको एक दो विकेट कंफर्म दे रहा है।
मार्टिन एंडरसन राइट आर्म मीडियम पेस है, मुझे उतना अच्छे ने उतना खास लगे नहीं, क्योंकि इनका एक मैच खेले थे जहाँ पे 0 विकेट था T20 में, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 15 इनिंग्स में 22 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो कि टेस्ट होता है ना, टेस्ट मैच में। ल्यूक हॉलमैन एक मैच खेले हैं, एक इनिंग्स, रन्स 11, 1 विकेट। अगर ये खेलते हैं तो इनको ऑलराउंडर की इससे हम लेकर जा सकते हैं, थोड़े बहुत अच्छे भी बैटिंग कर लेते हैं। इस मैच में शायद ये जल्दी आउट हो गए थे, इनका थोड़ा दूसरा स्टैट्स भी मैं देखा था तो अच्छा बैटिंग कर लेते हैं। यूथ ODI में एक बार देख लो, 9 इनिंग्स में 212 इन्होंने कर दिया है, एवरेज 35 का रखते हैं यहाँ पे, 13 मैचेस में 14 विकेट भी निकाला हुआ है। स्टीवन फिन इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, टिम मोर्टाग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, टॉम हेम इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोर्टा क्योंकि इंटरनेशनल से खेल चुके हैं, स्टीवन फिन भी इंटरनेशनल में खेल चुके हैं, 21 मैचेस में 27 विकेट, यहाँ पे 102 मैचेस में 123 विकेट लिस्ट ये T20 में। और वही मोर्टा का एक बार देख लो, ये आप अगर खेलते हैं तो आपको बैटिंग से भी रन करते हुए दिख सकते हैं, 101 मैच में 106 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है, और यहाँ पे इंटरनेशनल में 14 मैच में 13 विकेट यहाँ इन्होंने निकाला हुआ है। टॉम हेम की बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, 33 मैचेस में 13 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 42 विकेट्स निकाला है, सॉरी ये 13 इनिंग्स नहीं है तो भाई 33 इनिंग्स ही है, सॉरी गलती से वो 13 लिख दिया था, 33 इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग की है और 42 विकेट्स इन्होंने निकाला हुआ है। और जेम्स हैरिस 51 इनिंग्स में बॉलिंग की, 47 विकेट्स निकाला है लिस्ट ये T20 से, और यहाँ से ODI में यूथ ODI जो भी ये खेले थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, 12 मैच 11 इनिंग्स 20 विकेट निकाला है, और रन्स भी 74 किया हुआ है, 7 इनिंग्स में बैटिंग की थी इन्होंने। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये 7 इनिंग्स है बैटिंग का है। वही मिगुएल कमिंस की अगर बात करूँ तो ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज़ से ये इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं ODI में, 11 मैच 9 इनिंग्स 9 विकेट यहाँ पे निकाला हुआ था, और लिस्ट ये T20 से जो भी मैचेस इन्होंने खेला था उसमें 8 इनिंग्स में 4 विकेट निकाला है। आप इनको चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। नथन सोटर लेग ब्रेक बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, 51 इनिंग्स में 68 विकेट्स इन्होंने निकाला है, और लास्ट सीजन में भी ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखे थे। एथन बेम्बर का मुझे उतना स्टैट्स कुछ अच्छा लगा नहीं, 6 मैच में 9 विकेट इन्होंने ODI में निकाला है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 25 इनिंग्स में 48 निकाला है। T20 अभी तक खेले नहीं है, अब पता नहीं कैसे परफॉर्म करेंगे अगर खेलेंगे तो। वही तिलन वलल्लावीरता की अगर बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, 4 मैचेस में 7 इनिंग्स में बॉलिंग की है, 6 विकेट निकाला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारी ड्रीम 11 टीम क्या होने वाली है इस मैच में। अगर मैं यहाँ से आपको बता दूँ तो मैं दो टीम्स आपको दिखा देता हूँ कि दो सीनेरियोस, एक में स्टीफन एस्किनाज़ी को मैंने लिया हुआ है और एक में ड्रॉप किया हुआ है, तो आप कर क्या सकते हो यहाँ पे। यहाँ से मैंने जॉन सिम्पसन को पिक किया, आप चाहो तो एडम बीटर को भी पिक कर सकते हो, ये दोनों अच्छे हैं, दोनों को आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। मैं इस टीम में फ़िलहाल जॉन सिम्पसन के साथ जाऊँगा, और यहाँ से मैंने वेस्ली एस्किनाज़ी और मॉर्गन को पिक किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से निक गबिन्स को पिक कर सकते हो, एलिस्टर कुक को पिक कर सकते हो, मैक्स होल्डन अगर खेलते हैं तो आप इनको पिक कर सकते हो, पॉल वॉल्टर अगर खेलते हैं तो आप इनको पिक कर सकते हो, और दूसरे कोई उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है। पॉल वॉल्टर, मैक्स होल्डन और एलिस्टर कुक, निक गबिन्स, ये 4 आपको अच्छे ऑप्शंस हैं। वरुण चोपड़ा को मैं सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट के लिए और ODI के लिए अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 में मुझे उतने खास लगते नहीं है, इनका बैटिंग बहुत स्लो रहता है तो उतने खास T20 में रहेंगे नहीं। ऑलराउंडर से मैंने डेलपॉट को लिया हुआ है, डैन लॉरेंस को, और टॉबी रोलैंड जोन्स को लिया है। आप चाहो तो यहाँ से जनता जा रही है ड्रायंटन डियोस के साथ, डियोस्केट के साथ, यहाँ से टॉबी रोलैंड जोन्स को ड्रॉप करके डियोस्केट के साथ जा रही है, लेकिन मैं रोलैंड जोन्स के साथ जाऊँगा क्योंकि ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, और डियोस्केट बॉलिंग नहीं करेंगे, और ये अगर बॉलिंग करते हैं ऑप्शन रहेगा तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से डियोस्केट प्लस हार्मर को भी पिक कर सकते हो, हार्मर को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है, विकेट आपको 2-3 निकालते हुए भी दिख सकता है, या गुच्छों में भी विकेट निकालते हुए दिख सकता है। अगर हॉलमैन खेलते हैं तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग से यहाँ से मैंने स्टीवन फिन को ड्रॉप किया हुआ है क्योंकि क्रेडिट इश्यू था, मैं ले नहीं पाया उनको। यहाँ से मैंने पिक किया पोर्टर को, नथन सोटर और स्नेटर, क्रेडिट्स की वजह से स्नेटर लेना पड़ा, क्रेडिट्स नहीं था तो इसीलिए स्नेटर को पिक किया है, और यहाँ से टॉम हेल्म को रखा है। कैप्टन की बात करूँ तो कैप्टन मैं यहाँ पे मेरे साथ, मेरा कैप्टन रहेगा डेलपॉट, और वाइस कैप्टन मैं इयान मॉर्गन के साथ जा रहा हूँ। एक और सीनारियो बता देता हूँ, अगर आपको स्टीवन फिन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। सीधा सीधी सी बात है, एस्किनाज़ी को ड्रॉप कर दो, यहाँ से निक गबिन्स ले लो और आपको थोड़ा क्रेडिट मिल जाएगा, और वहाँ से आप स्टीवन फिन को पिक कर सकते हो।
और यहाँ से मैंने विटर को फिलहाल के लिए रखा हुआ है, लेकिन इनको मैं चेंज कर सकता हूँ। देख, फर्स्ट बैटिंग अगर आती है तो विटर के साथ जाऊँगा, सेकेंड बैटिंग आती है तो मैं जॉब सिम्सन के साथ जाऊँगा। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर जुड़ना ज़रूरी रहेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। बस सर्च कर लेना, अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो सर्च कर लेना हटके प्रेडिक्टर, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।